प्रदेश की औद्योगिक नगरी इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली शुरू होने के बाद से ही इसे नया स्वरूप देने को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। जहां लखनऊ की तर्ज पर पुलिस कमिश्नर प्रणाली को सीखने के लिए इंदौर पुलिस का एक दल लखनऊ पहुंचा। बता दें, डीसीपी महेश चंद जैन और एडिशनल डीसीपी जयवीर भदौरिया लखनऊ में ट्रेनिंग के लिए गए हुए हैं। वहीं दूसरी ओर नवीन कोर्ट रूम का काम भी शुरू हो गया है। यहां सेंटर कोतवाली और कमिश्नर कार्यालय में दो कोर्ट रूम बनाए जा रहे हैं। वहीं इंदौर ट्रैफिक विभाग में 300 पुलिसकर्मी सहित शहर में 1200 पुलिसकर्मियों की मांग की गई है। आने वाले समय में अधिकतम क्षेत्रफल वाले स्थानों को डिवाइड कर नए थाने खोलने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। तेजी से संसाधनों को अद्यतन किया जा रहा है। इसमें हम जानते हैं कि इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए भौतिक संसाधनों को दुरुस्त करना होगा और प्रशिक्षण भी साथ साथ दिया जाना जरूरी होगा। इन दोनों मोर्चों पर लगातार प्रयास तेजी से हो रहे हैं। अगर प्रशिक्षण की बात करें तो ACP और साथ में एडिशनल CP रैंक के जो अधिकारी हैं, जो पुलिस अधिकारी हैं, उनको रिटायर्ड अधिकारियों के द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कोर्ट रूम की जो प्राथमिक जरूरत है, उसमें एक कोर्ट रूम को लगभग तैयार कर लिया गया है। दूसरा कोर्ट रूम भी तैयार हो रहा है। आने वाले दिनों में दोनों प्रक्रियाएं तेजी से होंगी। साथ ही साथ पूरी कोशिश है कि इन दोनों प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद अगले 1 तारीख से, 1 जनवरी से, नए वर्ष से नए जो कोर्ट है और पूरी तरीके से जो उनके जो कोर्ट्स हैं पूरी तरह सुचारू रूप से चलने लगे, इसके लिए पूरी तरह से पुलिस तैयार हो रही है। कुछ थानों में अपराधों की संख्या ज्यादा है, उसकी समीक्षा की जा रही है। अभी तो वर्तमान में ये व्यवस्था जितने जो वर्तमान स्थिति है उस पर लागू कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में थानों की अपराधों की स्थिति के हिसाब से उसका पुनर्निर्धारण हो सकता है।